हेलो स्टूडेंट्स इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस ऑफ क्लास टेंथ आईसीएससी फ्रॉम सेरीना कंसाइज बुक एक्सरसाइज फाइव बी का थर्टीन एंड फोर्टीन सम तो इस सम को हमें सॉल्व करना है बाय फैक्टराइजेशन मेथड फैक्ट्राइजेशन मेथड के ऊपर मैंने एक अलग से वीडियो डाल रखी है जिसमें मैंने ट्रिक बताई है कि आप लोग कैसे इजीली फैक्टर्स फाइंड आउट कर सकते हो विद इन फाइव सेकेंड्स तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आप उसे भी ज़रूर देखिए चलिए शुरू करते हैं जब हम फैक्टर बनाते हैं तो फैक्टर बनाने से पहले हमें इस फॉर्म की इक्वेशन चाहिए होती है कि इस तरह की इक्वेशन बन जाए ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू ज़ीरो ताकि हम मिडल टर्म को स्प्लिट करके इसके फैक्टर्स बना लें बट यहाँ पे जो इक्वेशन है इसको पहले हमें सिंप्लीफाई करना पड़ेगा दैट दट कि इसका पहले होल स्क्वेयर खोलो यहां पे पहले फोर को अंदर मल्टीप्लाई करो फिर जो सारा प्लस माइनस होता है सारा करके इस फॉर्म की इक्वेशन बना के फिर आप सॉल्व करोगे उस तरीके से अगर आप करोगे तो बहुत ज्यादा लेंथी प्रोसीजर हो जाएगा बहुत ज्यादा टाइम लगेगा आपको यहाँ पे मैं आपको बहुत ही सिंपल तरीके से बताने वाली हूं आप लोगों ने क्या करना है पहले आप ये देखिए कि ये जो एक्स प्लस थ्री ये वाला फैक्टर है क्या ये दोबारा रिपीट हो रहा है एक्स प्लस थ्री यहां पे भी आ रहा है तो हमने क्या करना है यहाँ पे लेट कर लेना है मान लेना है कि जो एक्स प्लस थ्री है उसको ना, नया नाम दे दो एक नया वेरिएबल दे दो वाई ठीक है जी अब हमने इसको y नेम दे दिया तो यहां x एक्सप्ल थ्री की जगह पे क्या आ जाएगा y का स्क्वायर माइनस फोर एक्सप्लस थ्री की जगह पे y माइनस फाइव इज इक्वल टू जीरो गई इस टाइप की इक्वेशन अब हम इसके बनाएंगे फैक्टर फैक्टर बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं इसका कफिशंट देखते हैं कितना है हमारे पास वन फिर कांस्टेंट टर्म को देखते हैं दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं जितना आता है उसके अकॉर्डिंग फैक्टर बनाते हैं कि प्लस माइनस करने पर फोर आए मल्टीप्लाई करने पर फाइव आए ठीक है जी तो यहां पे हम क्या लिखेंगे वाई स्क्वायर फोर जो है वो हमें नेगेटिव का चाहिए तो माइनस फाइव वाई प्लस वाई माइनस फाइव इज इक्वल टू जीरो अब करके देख लो इन दोनों को माइनस करो तो फोर आ रहा है इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो फाइव आ रहा है ठीक है अब इन दोनों में से देखो कुछ कॉमन निकल सकता है वाई दोनों में कॉमन है वो निकाल लो बाहर अंदर क्या बच जाएगा वाई माइनस फाइव अब हमें इधर वाली साइड पे भी बिल्कुल ऐसी ही ब्रैकेट बनानी है तो ये ऑलरेडी बनी ही पड़ी है जैसे कि वाई माइनस फाइव ही यहाँ पे था वाई माइनस फाइव ही यहाँ पे है तो इस केस में हम यहाँ पे क्या लिख देंगे कि प्लस वन हमने कॉमन निकाला क्योंकि वन को लिखने पर कोई फर्क नहीं पड़ता तो अब देखिए y माइनस फाइव वाई माइनस फाइव दोनों में है तो हम दोनों में से कॉमन निकाल लेंगे अंदर यहाँ क्या बच गया हमारे पास y, इधर क्या बच गया प्लस वन इज इक्वल टू जीरो अब यहाँ पे देखिए कि हमने जो सम था हमारा वो x में था हमने y खुद यहाँ पे पुट किया तो आंसर में भी हमें y नजर नहीं आना चाहिए आंसर भी किस में आना चाहिए x में आना चाहिए तो हम यहाँ पे इसको मॉडिफाई करेंगे कि y हमने किसको पुट किया था x प्लस थ्री को तो y की जगह पे यहाँ पे लिखो x प्लस थ्री ये माइनस फाइव एज इट इज फिर से y की जगह पे x प्लस थ्री प्लस वन एज इट इज इज इक्वल टू जीरो इसको फर्दर सॉल्व करो तो आपके पास क्या आ जाएगा x प्लस माइनस 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 टू आ जाएगा यहाँ पे इधर x प्लस फोर आ जाएगा इज इक्वल टू जीरो दो का प्रोडक्ट कब जीरो होता है या तो पहले वाला जीरो हो या दूसरी वाला जीरो मतलब कि दोनों में से एक जीरो होना चाहिए तो यहाँ पे लिखेंगे इधर एक्स माइनस टू इज इक्वल टू जीरो और x प्लस फोर इज इक्वल टू जीरो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी प्लस टू यहाँ से कितनी आ जाएगी माइनस फोर ठीक है जी ये हो गया थर्टीन सम अब चलते हैं फोरटीनथ की ओर फोर्टीन सम में भी बिल्कुल वैसा ही प्रोसीजर फॉलो करना है कि यहाँ पे होल स्क्वेयर खोलो या तो इसको फोर को मल्टीप्लाई करो सारा सिंप्लीफाई करो एक तो तरीका ये है दूसरा तरीका क्या है आपने देखना है कि ये जो फैक्टर है टू एक्स माइनस थ्री जो फैक्टर यहाँ हैं वही फैक्ट्री यहाँ हैं टू एक्स माइनस थ्री तो आपको क्या करना है टू एक्स माइनस थ्री को पुट कर देना है वाई फिर इसी तरीके से सॉल्व करना है ये आपको खुद ट्राई करना है अगर कोई प्रॉब्लम आएगी तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हो ठीक है जी इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल